पूजा अर्चना कर रहे हैं। वक्त बेहद कम है और इसे हर नेता भांप रहा है। बहुत ही अच्छे अवसर पर आने का हुआ, दर्शन हुए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए शुभकामनाएं की है। प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़े तेज गति से, यहाँ पर सुख शांति और भाईचारा कायम रहे प्रदेश के अंदर, और तमाम प्रदेशवासी सुखी रहे, समृद्धिशाली बने, आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है सीपी जोशी साहब के बयान पर, उन्होंने कहा है कि ये उनका पार्टी को इससे इत्तेफाक नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है और उन्हें उस चीज़ के लिए खेद भी होगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने करीब एक महीना पहले पूरे तमाम नेताओं को ये संदेश दिया था कि बीजेपी के पास कहना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है। पाँच साल उन्होंने जो निकम्मा शासन दिया है, झूठे वादे किए हैं मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने, उस पर वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो। तो स्थिति यह है कि सबको कहा गया कि आप बच के चलें, क्योंकि ये बात का बतंगड़ बनाने में उस्ताद लोग हैं, माहिर लोग हैं, क्योंकि इनके पास उपलब्धियों के लिए कहना कुछ नहीं है। ये उपलब्धियाँ कहने कुछ नहीं है तो फिर ये क्या करेंगे, कोई बात को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे। हर नेता को सावधानी बरतने की हिदायत मैंने खुद ने दी है राहुल जी के बिहाफ पर, सब जगह मैंने संदेश भेजा था, तो बच के चलना चाहिए था मेरा मानना ये। कहने का भाव कुछ भी हो सकता है, परंतु अर्थ निकालना दूसरी बात है, अर्थ निकालने में माहिर लोग हैं, और बिना मतलब कांग्रेस को बदनाम करने का ये षड्यंत्र रचा हुआ है, इससे बचना चाहिए हर नेता को। गुजरात में ऐसे हुआ था, मनीष सिसोदिया ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी जो कि कोई समाज के लिए हो, जाति के लिए हो, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी मोदी जी के लिए, करना उचित था या नहीं था वो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, पर की थी उन्होंने, व्यक्ति से की थी, उसको मोदी जी ने जोड़ दिया जैसे कोई समाज के लिए, जाति के लिए, वही मणिशंकर यार टिप्पणी कर रहे हैं। सीपी जोशी जी ने क्या कहा कि संदर्भ में कहा मुझे नहीं मालूम, परंतु जो वीडियो आया है अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए एक मौका मिल गया बीजेपी को। जो कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, कांग्रेस का तो सबसे बड़ी पूंजी यही है, कांग्रेस सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करती आई है, उसके अंदर कोई स्थान नहीं है कोई व्यक्ति बोले, कोई नेता बोले, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भेदभाव करे, ये हमारी नीति का अंग नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं उसके समर्थन करता हूँ। एक और सवाल, अमित शाह साहब बोलते हैं कि बहुत सारे काम हुए राजस्थान में लेकिन प्रचार नहीं हो पाया मुख्यमंत्री के सामने। जो नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दो लोग राज करें देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, चार सुप्रीम कोर्ट जज कह चुके हैं, इनकी बातों को देश को विश्वास नहीं करना चाहिए। देश बड़े खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जो व्यक्ति ये कहे परसों कि अगर आपसे पूछे काम का हिसाब दो, आप उसका गिरेबान पकड़ लो, आज़ादी के बाद में ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया बीजेपी का जो जनता को आह्वान कर रहा है कि कोई विपक्ष का आदमी आके कोई सवाल पूछे आपसे तो आप उसे गिरेबान पकड़ लो, ये देश किस दिशा में जा रहा है, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा समझा तो आने वाले वक्त में पश्चाताप होगा। ये इस देश को किसी दिशा में ले जा सकते हैं कोई नहीं जानता। ये लोकतंत्र का खाली वोटों का राज का मुखौटा बना हुआ है, ये फासिस्ट लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ। अमित शाह जी ने कहा था मिशन 180, गुजरात में कहा था मिशन 150, वहाँ 180 सीटें हैं, 150 में से बताया था। आईटी की थी 96-94 सीट आ रही थी, यहाँ 180 का मिशन बताया है चार महीने पहले। चार महीने बाद में ऐसे बैकफुट पे आए हैं बीजेपी वाले कि उस मिशन का नाम ही नहीं ले रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। मैं कह सकता हूँ इनका जो है, इनके आंकड़े 180 नहीं रहेंगे, 50 के अंदर रहेंगे। धन्यवाद।
अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जहां पे कई मसलों को लेकर बेबाक उन्होंने अपनी बातें रखी। और ताज़ा मसला जो कि सीपी जोशी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा कि राहुल गांधी ने तकरीबन 2 महीने पहले ही आगाह कर दिया था, और मैंने भी, यानी अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैंने भी राहुल गांधी के बिहाब पे जो स्थानीय नेता हैं उनको आगाह कर दिया था कि मौजूदा वक्त में आप संभल कर बोले, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो इस ताक में है कि जो इस तरीके के बयान हो उसको भुनाया जा सके। यहाँ पे उन्होंने मणिशंकर के बयान को भी कोट किया, उस बयान का भी हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने सही कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शख्स को एक बात कही और उसके बाद मोदी जी ने जाति धर्म विशेष से उसे जोड़ा, और इस तरीके से इन लोगों की ये परिपाटी रही है, ये उन्होंने कोट किया यहाँ।